हेलो फ्रेंड्स मैं सुषमा कुहाड़ वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं दो साल से लेकर चार साल की बेबी गर्ल्स के लिए बहुत ही प्यारी सी फ्रोक बनाकर लाई हूँ आज मैं आपको ये बेबी फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है फ्रेंड्स ये बेबी फ्रॉक बनाने में बहुत ही आसान है इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं ये बेबी फ्रॉक हमारी यहाँ गले से शुरू होती है और यहाँ नीचे फ्रिल पर इसका एंड होता है इस बेबी फ्रॉक को बनाने में सिर्फ 255 ग्राम ऊन लगी है तो चलिए इस सुंदर सी फ्रॉक को बनाना शुरू करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए मैंने ये तीन प्लाई तीन तार वाली ऊन ली है जिसमें ये तीन धागे अलग अलग बने हुए होते हैं तो ऊन आप अपने हिसाब से ले लीजिए जो आपको पसंद हो और इसमें मैंने नौ नंबर की सिलाई यूज की है सिलाई हम अपनी ऊन के अनुसार ही लेते हैं अब ये देखिए यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं पचपन फंदे बचपन यानी फिफ्टी फाइव फंदे तो फिफ्टी फाइव फंदे से हम इसका ये कॉलर बनाएंगे फंदे मैंने यहाँ पर नॉर्मल डाले हैं और फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए मैंने इसमें ये चौबीस सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं चौबीस सिलाइयाँ बनाने से इसमें हमारी ये बारह लाइनें आ गई हैं देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह तो आप इसमें फिफ्टी फाइव फंदे डाल के और सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए ये चौबीस सिलाइयों का कॉलर बॉर्डर बना लीजिए चौबीस सिलाइयों में आपका ये लगभग ढाई इंच बनके तैयार हो जाएगा अब कॉलर हमारा कंप्लीट हो गया है अब इसमें हम इस साइड पर भी बटन पट्टी के लिए फंदे बढ़ाएंगे और इस साइड पर भी अब देखिए अगर आपको आठ फंदे की बटन पट्टी बनानी हो तो यहाँ पर आपको चार फंदे बनाने होंगे और अगर आप छः फंदे की बटन पट्टी बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर तीन फंदे बनाने होंगे तो देखिए कैसे करेंगे ये वाला जो फंदा है इसके आगे से ऐसे सिलाई डाल लीजिए फंदे के अंदर सिलाई नहीं डालनी है इस फंदे के आगे से आप ऐसे सिलाई डालिए और यहाँ पर आप एक फंदा बना कर ले आइए और इसको यहाँ सिलाई के ऊपर डाल दीजिए तो एक फंदा बन गया अब ये जो फंदा बना है और इसके अगले वाला है इन दोनों के बीच में से आप जो है सिलाई डालिएगा ऐसे करके और यहाँ पर आप एक फंदा और बना दीजिए तो देखिए ये हमने सिलाई के ऊपर डाल दिया तो हमारे दो फंदे बन गए अब हम ये जो फंदा बनाया है इसके यहाँ फंदे के अंदर नहीं डालनी है दोनों फंदों के बीच में से ऐसे सिलाई डालेंगे और हम एक फंदा ऐसे यहाँ पर बना लेंगे ये देखिएगा ये हमारी पच्चीसवीं सिलाई है यहाँ पर अब तीन फंदे हमने यहाँ पर बना लिए हैं हम बनाएंगे यहाँ पर छः फंदे की बटन पट्टी अब इस सिलाई को पच्चीसवीं सिलाई को हम पूरा उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे तो धागा ऐसे ही अपनी तरफ ही रखना है और पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना है जो दूसरी साइड के हमारे फंदे हैं वो हम छब्बीसवीं सिलाई पर इसमें बढ़ाएंगे यानी ऐसे ही फंदे बना लेंगे तो इस पच्चीसवीं सिलाई को भी धागा अपनी तरफ करके आप बना लीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बना लिया तो हमारी 25 में सिलाई कंप्लीट हो गई है तो देखिए कॉलर की हमारी ये वाली सीधी साइड बनेगी क्योंकि फंदे डालने के बाद ये जो हमारी लाइन होती है ये सीधी सीधी होती है तो ये है कॉलर की सीधी साइड और जो हमारी स्वेटर का सीधा हिस्सा बनेगा वो कॉलर की उल्टी साइड वाला बनेगा तो इधर हमने पट्टी के लिए तीन फंदे बना लिए अब हम यहाँ पर अपनी बटन पट्टी के तीन फंदे बनाएंगे बिल्कुल सेम तरीके से देखिए ये वाला जो फंदा है ना इसके आगे से हम ऐसे सिलाई डालेंगे यहाँ पर तीन तरीके होते हैं एक तो आप जैसे इस तरह से करके फंदे बना लेते हो ये होता है एक तरीका एक ये होता है जैसे इस फंदे में से फंदा बनाया और यहाँ पर डाल दिया फिर नेक्स्ट फंदे में से बना दिया ये तीसरा तरीका है इस फंदे के और इस फंदे के बीच में से सिलाई डालेंगे यहाँ से हम एक फंदा बनाएंगे और इसको बना के हम सिलाई के ऊपर डाल देंगे तो हमारा एक फंदा बन गया अब इन दोनों फंदों के बीच में से सिलाई डाल लेंगे और हम एक फंदा यहाँ पर बना लेंगे तो ये हमारा दूसरा फंदा बन गया इसको भी हम सिलाई पर डाल देंगे अब देखिए ये जो फंदा बनाया और ये अगले वाला इन दोनों के बीच में से हम सिलाई को डालेंगे और यहाँ पर एक फंदा हम और बनाएंगे तो तीन फंदे हमने बनाने हैं और छह फंदे की हम बटन पट्टी बनाएंगे अगर आपको आठ फंदे से बटन पट्टी बनानी हो तो आपको यहां पर चार फंदे बनाने होंगे तो ये देखिए दोनों साइड पर तीन तीन फंदे हमारे बढ़ गए टोटल फंदे अब हो गए हमारे पास सिक्सटी वन क्योंकि पचपन फंदे हमने डाले तीन इधर से बढ़ाए तीन इधर से बढ़ाए हो गए सिक्सटी वन अब इन फंदों को हम डिवाइड करेंगे बटन पट्टी फ्रंट बीच में इसमें चार जालियाँ आएंगी बाजू के फंदे बैक पार्ट के बाजू के फ्रंट के बटन पट्टी के तो मैं आपको थोड़ा सा ये लिखित में बताती हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आए तो ये देखिए टोटल जो हमने बॉर्डर के फंदे डाले वो हैं कॉलर के पचपन फंदे तीन तीन फंदे हमने बटन पट्टी के बढ़ा लिए तो छः हो गए टोटल फंदे बन गए हमारे इकसठ फंदे अब देखिए जब हम इसका इस तरह से राउंड गला बनाते हैं इस तरह से करके देखिएगा यहाँ पर हमारी बटन पट्टी आएगी ये हमारा फ्रंट आएगा फिर एक जाली आएगी फिर बाजू बनेगी फिर एक जाली आएगी फिर बैक पार्ट फिर जाली फिर बाजू फिर जाली फिर फ्रंट और फिर पट्टी तो इन फंदों को जब हम डिवाइड करेंगे तो छः फंदे बटन पट्टी के सात फंदे फ्रंट पार्ट के एक फंदा जाली का छः फंदे बाजू के एक फंदा हमारे जाली का उन्नीस फंदे बैक पार्ट के फिर एक फंदा जाली का छः फंदे बाजू के एक फंदा जाली का सात फंदे हमारे फ्रंट वाले पार्ट के और लास्ट में छः फंदे बटन पट्टी के अब देखिए दो बटन पट्टी हो गई छः छः फंदे की बारह फंदे हो गए चार जाली आएंगी छः छः फंदे हमारे बाजू के हैं तो बारह फंदे बाजू के हो गए सात सात फंदे हम फ्रंट वाले पार्ट के लेंगे तो चौदह ये हो गए उन्नीस फंदे हमारे बैक पार्ट के हैं तो टोटल जोड़ जो बनेगा वो होगा सिक्सटी वन तो इस तरह से हमें फंदों को डिवाइड करना है अब चलिए इसमें हम मार्कर लगा लेते हैं ये आपको सिर्फ जब हम इसमें अब एक बार जाली डाल रहे हैं तब आपको फंदे एडजस्ट करने होंगे उसके बाद जाली आ जाएगी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा तो अब हमारे सिक्सटी वन फंदे हैं और इसमें से हम यहाँ पर देखिए छह फंदे बटन पट्टी के और सात फंदे हमारे फ्रंट वाले पार्ट के तेरह फंदे काउंट करते हैं देखिए दो चार छः आठ दस बारह एक तेरह यहाँ पर ये दो हैं दो चार छः आठ दस बारह एक तेरह यानी ये बटन पट्टी के और फ्रंट पार्ट के हमारे फंदे हो गए हैं इस तरीके से अब यहाँ पर ये एक फंदा जाली का ठीक है यहाँ इस जाली वाले फंदे को भी आप यहाँ ऐसे लॉक कर दीजिए दोनों के बीच में आ गया अब हमारी बाजू के हैं छ फंदे दो चार और ये छ इन छ फंदे के बाद आप अपना मार्कर लगाइए यहाँ पर अब यहाँ एक जाली आएगी आपकी ये वाली हो गई ये देखिएगा इस तरीके से ठीक है दो जगह आपकी जाली हो गई अब हमें बनाने हैं इसके बैक पार्ट के फंदे जो कि हमारे आएंगे उन्नीस फंदे दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अट्ठारह रेख उन्नीस यहाँ पर हम एक मार्कर लगाएंगे तो कोई भी अपना मार्कर लीजिए और यहाँ पर एक मार्कर ऐसे लगा दीजिए अब एक फंदा हमारा ये जाली का यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो गया अब हमें अपनी बाजू के नेक्स्ट वाली बाजू के छह फंदे करने हैं दो चार और ये छह फंदे हम यहाँ पर काउंट करेंगे और यहाँ एक मारकर लगा देंगे अब ये एक फंदा हमारा जाली का आ गया है इसको यहाँ बीच में लॉक कर देंगे तो देखिए एक दो तीन और ये चार जगह हमारी जाली के फंदे हो गए हैं अब हमारे आगे तेरह फंदे हैं दो चार छिक सात फंदे हो गए हमारे फ्रंट पार्ट के दो चार और ये छह फंदे बटन पट्टी के अब हम क्या करेंगे ये देखिए ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे एक दो तीन चार पांच और ये छः तो देखिए छः फंदे हमने बटन पट्टी के बना लिए अब हम धागा पीछे करेंगे और सात फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात अब हम अपने इस मार्कर को हटाएंगे धागा अपनी तरफ करके और ये जो जाली के लिए फंदा लिया इसको हम सीधा बना देंगे इस मार्कर को भी हटाएंगे और धागा अपनी तरफ करके ये जो हमारी बाजू के छह फंदे हैं इनको सीधा बुनेंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये छ अब हम यहाँ इस मार्कर को हटाएंगे और धागा अपनी तरफ करके ये जो जाली के लिए फंदा है इसको हम सीधा बना देंगे जब हम धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बनाते हैं तो जाली से फंदा बढ़ जाता है अब हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस मार्कर को भी हटा देंगे और ये हमारे बैक पार्ट के उन्नीस फंदे हैं इनको हम सीधा बनाएंगे एक दो और ये देखिए ऐसे तीन फंदे हो गए चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह और ये उन्नीसवा फंदा हमने सीधा बनाया अब हम इस मार्कर को भी हटा देंगे और धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो इसके इधर जाली आ गई अब धागा अपनी तरफ करके इस मार्कर को हटाएंगे और छह फंदे बाजू के सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच और ये छ अब धागा अपनी तरफ कर लेंगे और इस मार्कर को हटा देंगे अब इस एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे जो हमने जाली के लिए लॉक किया था फिर धागा अपनी तरफ करके इस मार्कर को भी हटा देंगे और यहाँ पर हम फ्रंट वाले पार्ट के सात फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात अब धागा अपनी तरफ करके ये छः फंदे बटन पट्टी के हैं इनको आप उल्टा बना लीजिए तो देखिए हमारे सारे फंदे डिवाइड हो गए हैं चार जगह पे जाली आ गई है अब उल्टी साइड से इन सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे क्योंकि 26वीं सिलाई जो हमारी आई है वो यहाँ हमारे स्वेटर की सीधी साइड है और कॉलर की ये वाली सीधी होती है 25वीं सिलाई पर 26वीं सिलाई पर हमने जाली डाली है ये हमारे स्वेटर की सीधी साइड अब हम उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को उल्टा बुन लिया है अब फिर से आज ये इसकी सीधी साइड पर छः पंदे आप यहाँ पर बटन पट्टी के बनाइए एक दो तीन चार पाँच और ये छ अब हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये जो जाली से बढ़ गया आठ अब हमारे यहाँ पर आठ पंदे हो गए जाली हमारी हर बार इसी फंदे के दोनों साइड आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और अब हम बाजू के फंदे बनाएंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये जाली वाला आठ क्योंकि बाजू में हमारे इधर से भी फंदे बढ़ेंगे और इधर से भी बढ़ेंगे अब धागा अपनी तरफ करके इस एक फंदे को हम सीधा बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और हम ये बैक पार्ट के फंदे बनाएंगे आगे फिर से हमारी जाली आएगी ऐसे ही इसी फंदे पर जाली डालते हुए लास्ट तक हम सिलाई को कंप्लीट कर देंगे जहाँ जहाँ जाली डाली हैं उसी फंदे के दोनों साइड आएंगी तो ये देखिए दूसरी बार की हमारी ये जाली कंप्लीट हो गई अब उल्टी साइड से इन सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बना देंगे तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया अब इसमें हम अपना पहला बटन होल बनाएंगे अब बटन होल आप इस साइड पे बनाइए या इस साइड पे बनाइए इससे इसमें कोई अंतर नहीं आएगा ये आपकी अपनी चॉइस है तीसरी बार हम जाली डालने जा रहे हैं और यहाँ पर हम पहला बटन होल अपना बनाएंगे तो हमारे पास जो छह फंदे हैं इसमें से देखिए एक दो और ये तीन फंदे हम बनाएंगे इस तरह से लपेट कर एक जाली डाल देंगे और यहाँ हम दो फंदों का एक फंदा बना देंगे तो जाली से बटन होल बन गया दो का एक करके हमारा कम हो गया अब ये फंदा भी हमारा उल्टा अब हम धागा पीछे करेंगे और फ्रंट वाले पार्ट के फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच और ये छः सात आठ और ये नौ अब देखिए यहाँ हमारे नौ फंदे हो चुके हैं अब आपको ये जो जाली डालनी है ना ये फंदे बिल्कुल क्लियर नजर आएंगे धागा अपनी तरफ कीजिए और यहाँ पर आप जाली डाल दीजिए फिर धागा अपनी तरफ करके आप बाजू के फंदे बनाइए तो ये अब हम यहाँ पर तीसरी बार जाली बना रहे हैं टोटल हमें यहाँ पर 25 से 26 बार जालियाँ डालनी हैं पहला बटन होल हमारा बन चुका है इसमें हम लगभग तीन बटन लगाएंगे तो आप अपने हिसाब से गैप रख के इसमें सेकेंड और थर्ड ये बटन होल ऐसे ही बनाते जाइए 25 से 26 जाली होने के बाद फिर मैं आपको इसको आगे दिखाती हूँ ऐसे ही आप इन जालियों के ऊपर जाली डालते हुए 25 या 26 जितनी मैं बनाती हूँ वो आपको दिखाती हूँ तो मैं इसमें ये 25-26 जालियों तक इसको बुनाई कर लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ तो ये तो देखिए तो फ्रेंड्स मैंने इसमें ये छब्बीस जालियाँ पूरी कर ली हैं छब्बीस जाली डालने से इसमें हमारे 208 फंदे बढ़ गए हैं क्योंकि जब हम एक बार में जाली डालते हैं तो हमारे आठ फंदे बढ़ते हैं देखिए दो चार छः और आठ जब हमने छब्बीस बार इसमें जाली डाली है तो टोटल हमारे दो सौ आठ फंदे बढ़ गए हैं यहाँ पर हमारे फंदे थे पचपन छः फंदे हमारे पट्टी के बड़े तो यहाँ हो गए इकसठ 208 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं तो अब टोटल जो राउंड में हमारे पास फंदे हैं वो हैं दो यानी 269 फंदे अब इसमें हम अपने बैक फ्रंट और बाजू के फंदों को अलग करेंगे और ये देखिए इसकी जो कॉलर आएगी वो देखिए इस तरीके से हो जाएगी ऐसे हमारा ये फोल्ड होगा ऐसे करके तो अब इन फंदों को हम अलग अलग करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी बाजू बनाएंगे ताकि हमें इसका बैक और फ्रंट बनाना आसान हो जाए तो देखिए कैसे करेंगे ये जो हमारे फ्रंट वाले फंदे हैं यहां तक के इनको हम पहले बना लेते हैं छह फंदे हमारे ये पट्टी के हैं और तैंतीस फंदे हमारे ये सीधे सीधे हैं तो ये जो फली वाला फंदा है इसको हम बाजू में लेंगे तो यहां तक के फंदों को मैं यहाँ पर बुन लेती हूँ तो ये देखिए पट्टी के छह फंदे मैंने उल्टे बनाए हैं और आगे जो हमारे तैंतीस फंदे हैं इनको हम सीधा सीधा बुनेंगे तो ये देखिए इन फंदों को हमने बना लिया अब हम यहाँ पर जाली नहीं डालेंगे यहाँ से हमारे ये फंदे हो गए हैं फ्रंट के अब हम क्या करेंगे वैसे तो हमें अलग से सिलाई लेकर उसमें बाजू की बुनाई करनी है यहाँ से हमें अपनी बाजू की बुनाई करनी है तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक फंदा इसमें बढ़ा देंगे हमारे पास बाजू का एक फंदा यहाँ से बढ़ जाएगा तो यहाँ ये यह जो जाली है ये फली वाला और ये जाली इसके दोनों के बीच में सिलाई डालेंगे और इस तरह से एक फंदा बढ़ाएंगे यहाँ की बार जाली से नहीं बढ़ाएंगे ऐसे करके बढ़ाएंगे ये हो गया अब हम अपनी इन फंदों को नेक्स्ट वाली जो हमारी ये फली है जिस पर हम जाली डाल रहे थे इन फंदों के आने तक सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे हमारे पास यहाँ पर जो बाजू के फंदे हो गए हैं वो देखिए जब हमने यहाँ स्टार्टिंग में रखे थे छः फंदे रखे थे बाजू के छब्बीस बार जाली डाली हैं तो बावन फंदे हमारे बढ़ गए बावन और उसमें छः प्लस कर दें तो अट्ठावन अब एक जाली हमारी इधर की हो गई एक दूसरी साइड की तो अट्ठावन और दो तो साठ एक एक फंदा हम दोनों साइड से बाजू का बढ़ाएंगे तो टोटल फंदे हो जाएंगे हमारे बाजू के सिक्सटी टू तो अब ये यहाँ वाली फलियाने तक फंदों को सीधा सीधा बनाइए तो ये देखिए इस फली तक के फंदों को हमने बना लिया है अब अगर आपके पास वायर नीडल नहीं है तो आपको जो बड़ी वाली सिलाइयाँ होती हैं उनमें बुनना पड़ेगा अगर वायर नीडल आपके पास है तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा क्योंकि जब ज़्यादा फंदे होते हैं तो छोटी सिलाई में आते नहीं हैं वायर नीडल में आसानी से काम हो जाता है अब इसको हम ऐसे खींचेंगे और इस सिलाई को यहाँ पर छोड़ देंगे और यहीं से हम टर्न करेंगे और अपनी नौ नंबर की दूसरी सिलाई ले लेंगे वायर नीडल भी मेरी नौ नंबर की ही है अब यहाँ से हमें एक फंदा बनाना है जैसे कि हमने उधर से बनाया था यहाँ इन दोनों फंदों के बीच में सिलाई डालेंगे और ऐसे करके हम एक फंदा ऐसे बुन लेंगे अब हम यहाँ से अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे और यहाँ वाली जो फली है ये वाली इस तक के फंदों को बनाएंगे तो ये देखिए इस तरह से अपने धागे को ले लेंगे आप चाहो तो यहाँ पर नोट लगा सकते हो या फिर इसको ऐसे ले लीजिएगा और ये जो हमारा धागा है इसको साथ के साथ ऐसे दबा के आगे लाते जाइए और जहाँ पर धागा ख़त्म हो जाए वहाँ पर नोट लगा दीजिए तो जॉइंट अच्छे से हो जाएगा और अभी सेकंड कलर से हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे यहाँ तक ये जो हमारी बीच में फली आएगी यहाँ तक तो ये देखिए ये बाजू के फंदे हमारे अब अलग हो गए हैं टोटल सिक्सटी टू फंदे हो गए हैं हमारे पास अब मैं एक बाजू को कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दूसरी साइड की बाजू में सेम आपको डिजाइन बनाते हुए उसको पूरा बुनना बताऊंगी क्योंकि पहले हम दोनों बाजू को अलग कर लेंगे तो बैक और फ्रंट बनाना आसान हो जाएगा तो मैं ये एक बाजू कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दूसरी बनाना बताऊंगी तो ये देखिए फ्रेंड्स इसकी एक बाजू को मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है अब सेम डिज़ाइन के साथ हम इसकी दूसरी बाजू बनाएंगे तो देखिए ये जो हमारे फ्रंट वाले पार्ट के फंदे हैं जो हमने बुन के और बाद में बाजू को बनाया था तो ये मैंने इस तरह से हुक हैंडल में डालकर छोड़ दिए हैं अब ये जो हमारे बैक पार्ट के फंदे हैं अपनी वायर नीडल को लेंगे इधर से और इन फंदों को हम बना लेंगे अगर आपके पास इस तरह से हुक हैंडल नहीं है तो आप कोई एक्स्ट्रा सिलाई लीजिए और उनमें इन फंदों को डालकर छोड़ दीजिए और फिर ये जो हमारे बैक पार्ट के फंदे हैं इनको हम बनाएंगे तो यहाँ पर हमने बाजू का एक फंदा बढ़ाया था तो इन फंदों को बनाने से पहले फिर बैक वाले पार्ट के लिए भी यहाँ से सिलाई डालेंगे और एक फंदा हम यहाँ से बढ़ा देंगे और उसके बाद हम ये बैक पार्ट के फंदे बुनना शुरू करेंगे ये देखिए इनको हम सीधा सीधा बुनकर और ये वाली जो हमारी फली है ये हमारी बाजू में जाएगी तो इस फली से पहले के जो हमारे फंदे हैं ये बैक पार्ट के हैं इनको हम इस तरह से बुन लेते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हमारे ये बैक पार्ट के फंदे हैं तो इनको हमने इस सिलाई में बुन लिया है अब इस फली से लेकर और ये वाली जो हमारी फली है यहाँ तक हमारे बाजू के फंदे हैं तो यहाँ हम बाजू के लिए एक फंदा इसमें बढ़ाएंगे तो अभी तो हम वायर नीडल में ही पहली सिलाई को बुन लेते हैं उसके बाद अलग सिलाई लेंगे तो ये फली वाला फंदा और ये इन दोनों के बीच में हम अपनी सिलाई को ऐसे डालेंगे और यहाँ से एक फंदा बनाएंगे और इसको सिलाई के ऊपर हम ऐसे डाल देंगे अब अगली फली आने तक हमारे बाजू के फंदे हैं इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे तो ये देखिए यहाँ तक हमने बाजू के फंदे बना लिए अब ये हमारे फ्रंट के फंदे हैं इनको हम ऐसे यहीं पर ऐसे तार को खींच के छोड़ देंगे और अब यहाँ से हमें पहले एक फंदा बनाना है जैसे कि हमने इस साइड पर एक फंदा बना दिया है तो सबसे पहले तो इसी कलर से हम ऐसे करके फंदा बना लेते हैं इन दोनों फंदों के बीच में से सिलाई डाल लेंगे एक फंदा बनाएंगे और इसको हम यहाँ सिलाई के ऊपर डाल देंगे अब अपना सेकंड कलर लेंगे इस कलर को हम ऐसे पकड़ लेंगे आप चाहो तो यहीं पर नोट लगा सकते हो मैं थोड़ा सा आगे धागे को ले जाकर नोट लगाऊंगी। और ये देखिए अब इसको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे सिलाई को और ये जो हमने धागा जॉइंट किया है ना इसको आप दो दो फंदे के बाद ऐसे आगे लेते जाइए और जब ये बिल्कुल छोटा रह जाए तो आप वहाँ पर नोट लगा दीजिए तो यहाँ पर इसमें फिनिशिंग आ जाएगी तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हमने बाजू के फंदे बना लिए अब हमारे पास बाजू के ये सिक्सटी टू फंदे हैं क्योंकि देखिए छः फंदे हमने यहाँ शुरू में रखे थे छब्बीस जालियाँ डाली तो बावन हमारे बढ़ गए बावन और छो अट्ठावन हो गए अब एक जाली इधर से एक जाली इधर से साठ हो गए एक फंदा हमने इधर से बढ़ाया और एक इधर से बढ़ाया तो बासठ फंदे अब हमारे बाजू के हो गए अब बैक पार्ट में हमने इस साइड से एक फंदा बढ़ा लिया है इस साइड से जब हम बैक पार्ट में डिजाइन की बुनाई करेंगे तब हम फंदा उठा लेंगे तो इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं अब ये जो हमारे बासठ फंदे हैं इसमें देखिए हमने ये जो बाजू में डिजाइन बनाया है इसको आप समझिए एक बार ये जो बीच में डिजाइन है ये नौ फंदे से है तीन फंदे इधर हमने उल्टे रखे हैं तीन उधर तो ये बीच में हमारे पंद्रह फंदे जब हम सिक्सटी टू में से पंद्रह फंदे निकालते हैं तो फिर ये जो हमारे साइडों में बचेंगे ना ये हमारे ये देखिएगा इस तरीके से सेट होंगे बाजू के जो हमारे फंदे हैं देखिए छः प्लस बावन हो गए प्लस दो प्लस दो बासठ फंदे होंगे बासठ में अब जब हम डिजाइन को सेट करेंगे ना तो तेईस फंदे हमें हमारे सीधे आ जाएंगे तीन फंदे फिर उल्टे आएंगे, नौ फंदे डिजाइन के आएंगे फिर तीन फंदे उल्टे आएंगे और लास्ट में फिर हमारे चौबीस फंदे सीधे आ जाएंगे तो ये बासठ फंदे में इस तरीके से हमारा ठीक बीच में डिजाइन सेट होगा तो अब देखिए डिजाइन की यहाँ पर पहली सिलाई है और इसकी हमारी सीधी साइड है तो पहला फंदा एजस्टिच है इसको उतारिए या यहाँ पर आप उल्टा बनाइए मैं हमेशा ही उल्टा बना कर लेती हूँ तो देखिए एक फंदा हो गया दो तीन चार पच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस और ये तेईस यहाँ पर ये यह हमारे तेईस फंदे बनाए गए एडस्टीज के बाद बाईस सीधे बनाए हैं मैंने धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे हम ये उल्टे बना लेंगे तीन उल्टे बनाने के बाद अब हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ नौ फंदे का डिजाइन बनाएंगे तो देखिए एक दो और ये तीन इन तीन फंदों को ऐसे हल्का सा लूज करिए आगे से सिलाई डाल के तीन फंदे का यहाँ एक फंदा आप बना दीजिए तीन का एक करने के बाद धागे को अपनी तरफ ले आइए और एक फंदा आप सीधा बनाइए तीन का एक करने से दो फंदे हमारे कम हो चुके हैं तो एक जाली आ गई फिर धागा अपनी तरफ करेंगे दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे तो दो जाली आ गई तो यहाँ पर जो फंदे कम हुए वो दो जाली से पूरे हो गए अब धागा अपनी तरफ करेंगे तीसरा फंदा सीधा बनाएंगे तो तीन जाली आ गई फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे एक दो और ये तीन इन तीन फंदों को हल्का सा लूज करेंगे बैक साइड से धागे को अपनी तरफ रखेंगे और इन तीन फंदों का हम एक फंदा बना देंगे अब यहाँ पर जो दो फंदे कम हुए एक और ये दो जाली यहाँ पर हमारी आ गई अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये तीन फंदे हम उल्टे बना देंगे ये चार सिलाइयों का डिजाइन है हमारा पहली सिलाई डिजाइन की है अब धागा पीछे करेंगे आगे हमारे ये चौबीस फंदे हैं इनको हम सीधा सीधा बना लेंगे तो ये देखिए सीधी साइड से सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई अब उल्टी साइड से देखिए जो फंदे इधर हमारे सीधे बने हैं वो इधर सारे उल्टे हो जाएंगे और जो यहाँ पर तीन फंदे डिजाइन के बाद और यहाँ डिजाइन के इधर तीन फंदे सीधी साइड पर उल्टे बने हैं वो इधर सीधे आएंगे तो चौबीस फंदे अब हम यहाँ उल्टे बनाएंगे फिर तीन फंदे सीधे फिर नौ उल्टे फिर तीन सीधे और लास्ट के तेईस फंदे उल्टे ऐसे करते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे तो ये देखिए डिजाइन की हमारी दो सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई अब आ जाइए तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर तीसरी सिलाई पर जो फंदे आपको जैसे दिखाई दें, वैसे ही बना दीजिए यानी ये स्टार्टिंग के हमारे तेईस फंदे हैं एज के बाद बाईस इनको हम सीधा बुन लेंगे फिर तीन फंदे उल्टे फिर नौ सीधे फिर तीन उल्टे और लास्ट के चौबीस फंदे सीधे ऐसे करते हुए हम डिजाइन की तीसरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे चौथी सिलाई डिजाइन की उल्टी साइड से जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा और जो उल्टे हैं उनको उल्टा करते हुए चार सिलाई तक हम डिजाइन को कंप्लीट कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमारी डिजाइन की चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई अब यहाँ हमारे डिजाइन की फिर से पहली सिलाई बनेगी अब हम यहाँ से बाजू की घटाई शुरू करेंगे क्योंकि जब हम नीचे से बाजू बनाते हैं तो बॉर्डर के बाद फंदे बढ़ाना शुरू करते हैं लेकिन जब हम गले से स्वेटर बनाते हैं तो यहाँ से फिर हम फंदों को घटाते हैं तो यहाँ हमारे सिक्सटी टू हैं और लास्ट में मैंने अठत्तीस फंदे यहाँ पर रखे हुए हैं उसके बाद ये फ्रिल बनाई है तो अब यहाँ हम दो फंदे का एक फंदा बना देंगे ये देखिए कोने पर दो का एक करेंगे और आगे फिर हम इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे ये देखिए यहाँ तक हमारे फंदे सीधे सीधे हन को सीधा बना लिया अब धागा अपनी तरफ करके ये तीन उल्टे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे अब धागे को पीछे करके ये नौ फंदे का डिजाइन जैसे पहली सिलाई पर बनाया ठीक वैसे ही अब दोबारा रिपीट हो रहा है एक दो और ये तीन इन तीन फंदों को हल्का सा लूज करेंगे आगे से सिलाई डाल लेंगे और इन तीन का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे तो तीन का एक करने से दो कम हो गए धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया तो एक जाली आ गई धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा सीधा बनाया तो दो जाली आई फंदे हमारे बराबर हो गए अब धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया तो तीसरी जाली आ गई धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलट देंगे और तीन फंदों को लूज करके बैक साइड से सिलाई डालेंगे धागा अपनी तरफ और तीन का एक कर देंगे एक जाली हमारी यहाँ पर आ गई ये जो तीन का एक किया दो कम होते हैं एक और एक ये दो जाली से फंदे बढ़ गए अब धागा अपनी तरफ और ये तीन फंदे उल्टे अब हमारे ये लास्ट में चौबीस फंदे हैं तो बाईस बना के लास्ट वाले दो का एक कर देंगे तो ये देखिए लास्ट में आ गए और यहाँ हम दो का एक कर देंगे अब नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग पर पहली सिलाई बन गई उल्टी साइड पर जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे बनाइए फिर सीधी साइड पर जो फंदे जैसे दिखे वैसे बनाइए चौथी सिलाई हमारी उल्टी साइड पर आ जाएगी उस पर आपने जो है जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बुनने हैं फिर नेक्स्ट बार सीधी साइड पर आएंगे तो डिजाइन हमारा रिपीट होगा यानी चार चार सिलाइयों का डिजाइन है डिजाइन यही आपने रिपीट करना है अब फंदे कैसे घटाने हैं ये आप समझ लीजिएगा ये देखिएगा अभी हमने यहां पर दूसरी बार का जो डिजाइन शुरू किया है तो एक एक फंदा दोनों साइड पर घटा दिया है अब बीच में हम तीन सलाइयों का गैप रखेंगे और दोनों साइड से एक एक फंदा घटा देंगे डिजाइन यही चार सलाइयों का रिपीट होगा फिर आप बीच में तीन सिलाइयों का गैप कीजिए एक फंदा इधर से एक इधर से घटा दिए जब आपकी यहाँ तक की बाजू हो जाए फिर आप दो दो सिलाइयों का गैप रखिएगा क्योंकि अगर आप जैसे वही तीन तीन का गैप रखेंगे तो बाजू की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और फंदे हमारे कम नहीं हो पाएंगे तो थोड़ी सी जब हमारी देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ डिजाइन हमारे ये बन गई है नौ नौ डिजाइन बनेंगे तब तक तो हम तीन तीन सिलाइयों का गैप रखेंगे उसके बाद हम दो दो सिलाइयों का गैप रखते हुए इसमें फंदे घटाएंगे। टोटल मैंने ये तेरह डिजाइन बनाए हैं तेरह डिजाइन की लेंथ बनाई है तो अब ऐसे ही घटाते लास्ट में आपके थर्टी एट फंदे होने चाहिए आप फंदे दोनों साइड से घटाते जाइए डिजाइन सेम चार चार सिलाइयों का रिपीट कीजिए अठतीस फंदे हमारे बच जाएंगे तब मैं आपको ये फ्रील बनाना बताऊंगी तो अब ऐसे ही मैं इस बाजू को भी कंप्लीट कर देती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इसमें मैंने ये तेरह डिजाइन बनाए हैं और यहाँ पर अब मेरे पास थर्टी एट यानी अट्ठतीस फंदे बचे हैं तो इस तरह से आप दोनों साइड से फंदे घटाते जाइए बीच में हमारा डिजाइन बनता जाएगा अब हमारे थर्टी एट फंदे हैं और ये जो हमारा तेरवा डिजाइन है इसकी चौथी सिलाई है और उल्टी साइड है इस पर मैंने यहाँ से इस कलर को हटा दिया है और अपने इस सेकंड कलर को लगा लिया है इस पूरी फ्रॉक को आप एक कलर में भी बना सकते हो ये आपकी अपनी चॉइस होगी तो अब देखिए जो हमारे में डिजाइन की चौथी सिलाई है इस पर इस सेकंड कलर से इसे हम बिल्कुल उल्टा उल्टा बुन देंगे तो ये देखिए उल्टी साइड से तेर में डिजाइन की चौथी सिलाई को हमने बुन लिया है अब यहाँ पर ये जो हमने फ्रिल बनाई है इस फ्रिल को बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे थर्टी एट फंदे हैं अब कैसे बनेगा पहला फंदा एजस्टिच है उतारिए या उल्टा बनाइए उसके बाद हम एक फंदा और उल्टा बुनेंगे तो यहाँ पर हमारे दो फंदे उल्टे आ गए धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदे को हम सीधा बुन देंगे तो यहाँ हमारी जाली आ गई है फिर धागा अपनी तरफ करेंगे तीन फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो और ये तीन अब धागा अपनी तरफ रहे एक फंदा हम सीधा बना देंगे फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन धागा अपनी तरफ ही रहे एक फंदा हम सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन धागा अपनी तरफ ही है और एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली आ गई फिर धागा अपनी तरफ तीन उल्टे एक दो और ये तीन फिर धागा अपनी तरफ से और एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली आ गई बस ऐसे ही रिपीट करना है लास्ट तक तीन फंदे उल्टे और फिर देखिए धागा अपनी तरफ और एक फंदे को सीधा फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे और तीन उल्टे एक दो तीन धागा अपनी तरफ ही रखेंगे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ एक दो और ये तीन उल्टे अब हमें एक फंदा सीधा बनाना है तो धागा अपनी तरफ ही रखेंगे एक फंदा सीधा बुन देंगे तो जाली आ गई फिर धागा अपनी तरफ तीन उल्टे एक दो और ये तीन अब धागा अपनी तरफ ही है एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे लास्ट में हमारे तीन फंदे बचे हैं इनको हम उल्टा ही बना देंगे तो देखिए हमारी सीधी साइड से फ्रिल की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई अब दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर जो फंदे इधर सीधे बने वो इधर उल्टे जो इधर उल्टे बनाए वो इधर सीधे तो देखिए पहला फंदा तो एजस्टीच है उतारिए या दोनों तरफ से उल्टा बनाइए अब ये दो फंदे हम सीधे बुनेंगे धागा पीछे करके ये दो हमने सीधे बना दिए फिर धागा अपनी तरफ एक और ये जाली वाला दो उल्टे फिर धागा पीछे और तीन सीधे एक दो और ये तीन फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक और ये जाली वाला दो उल्टे फिर धागा पीछे तीन फंदे हम ये सीधे बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक और ये जाली वाला दो उल्टे अब ऐसे करते हुए लास्ट तक सिलाई को बुन लेंगे और यहाँ लास्ट में जब हम आएंगे तो देखिए ये एक फंदा और एक जाली तो हमने उल्टे बुन लिए अब लास्ट में हमने सीधी साइड पर ये दो फंदे उल्टे बनाए थे तो इसमें से हम इस एक फंदे को सीधा बुनकर एज एजस्टिज को उल्टा रख लेंगे ताकि यहाँ सिलाई में फिनिशिंग अच्छी आ जाए अब आ जाइए सीधी साइड पर सीधी साइड पर फिर से हम जाली से फंदे बढ़ाएंगे एक बार जाली से फंदे बढ़ गए हैं चार बार हमें जाली डालनी है तो दोबारा से देख लीजिए पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए एक और ये दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे धागा अपनी तरफ रहे और इन दो फंदों को अब हम सीधा बनाएंगे जाली इसके आगे ही आएगी एक और ये दो फिर धागा अपनी तरफ और ये तीन उल्टे एक दो और ये तीन फिर धागे को हम ऐसे ही अपनी तरफ रख लेंगे और एक और ये दो फंदे हम सीधे बनाएंगे जब हम धागा अपनी तरफ करके इन फंदों को सीधा बुनेंगे तो यहाँ हमारी जाली आ जाएगी फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन उल्टे ऐसे करते हुए हमें लास्ट तक अपनी सिलाई को अब बना लेना है हर बार ऐसे ही धागा अपनी तरफ कर रखेंगे और इन दो फंदों को सीधा बना देंगे तीन उल्टे और फिर उल्टी साइड से जो फंदे हमें जैसे दिखाई देंगे सीधे पर सीधे और उल्टे पर उल्टे बुनेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स उल्टी साइड से भी मैंने सिलाई को बना लिया है दो बार हमारी जाली आ गई है दो बार हम और बनाएंगे अगर आपको ये फ्रील जैसे और ज़्यादा बड़ी बनानी हो तो आप इसमें पाँच बार छः बार जितनी जाली डालना चाहो उतने फंदे बढ़ते जाएंगे फ्री आगे से चौड़ी और बड़ी होती चली जाएगी लेकिन बच्चे के हिसाब से बना रहे हैं तो चार बार जाली से फ्रील काफ़ी बड़ी बन जाएगी यही बहुत है अब तीसरी बार फिर से जाली डाल रहे हैं देखिए एक और ये दो फंदे हम स्टार्टिंग के उल्टे रखेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे अब हमारे ये तीन फंदे सीधे हैं तो इन तीनों को हम सीधा बुन देंगे एक दो और ये तीन अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन उल्टे एक दो और ये तीन धागा अपनी तरफ रहे और इन तीन फंदों को हम सीधा बुनेंगे एक दो और ये तीन पूरी सिलाई को ऐसे करते हुए कंप्लीट कर देंगे उल्टी साइड पर जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे बुनेंगे फिर हम सीधी साइड पर आएंगे चौथी बार जाली डालेंगे। ये दो फंदे उल्टे धागा अपनी तरफ करके फिर हमारे चार फंदे सीधे आ जाएंगे इस तरह से करते हुए हमारी चौथी जाली आ जाएगी फिर उल्टी तरफ से जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे उनको हम बुन लेंगे चार जाली डालने के बाद सीधी साइड से हल्के से लूज हाथ से ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं हल्के से लूज हाथ से जैसे हम नॉर्मल फंदों की बुनाई करते हैं वैसे करते हुए इन सभी फंदों को हम बंद कर देंगे तो इस तरह से हमारी ये फ्रील बन के तैयार हो जाएगी तो अब मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ आप भी इसी तरह से इसको बना के और फंदों को बंद कर दीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी ये बाजू भी कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसी रंग का धागा रख लिया है ताकि जब हम इसकी सिलाई करें तो ये इतना पार्ट हमारा इसी रंग के धागे से सिल जाए और आगे का ये जो हमारा येलो है इससे हम सील देंगे तो बाजू इसकी दोनों कंप्लीट हो गई हैं अब हमें इसके बैक और फ्रंट को बनाना है तो फ्रंट हम यहाँ तक ही इसका ओपन रखेंगे आप चाहो तो इसे पूरा ओपन भी रख सकते हो इस बटन पट्टी को ऐसे ही बनाते हो फ्रंट के दोनों अलग अलग बना सकते हो लेकिन मैं यहीं तक इसको रखूँगी तो अब हम क्या करेंगे ये जो हमारे यहाँ पर फ्रंट के फंदे हैं इनको हम इस तरह की सिलाई में बुनेंगे और यहाँ से हम एक फंदा बनाएंगे क्योंकि यहाँ जैसे हमने बाजू में बढ़ाया था ना तो यहाँ से एक फंदा बनाएंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ ऐसे सिलाई डालेंगे एक फंदा हम ये बुनेंगे और आगे हमारे जो बटन पट्टी के फंदे हैं बटन पट्टी के फंदे रहने तक बाकी के फंदों को हम सीधा सीधा बना देंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स इन फंदों को मैंने बना लिया है अब ये जो हमारे पटन पट्टी के फंदे हैं इनको हम ऐसे ही रखेंगे और फ्रंट का जो दूसरी साइड का पार्ट है जो फंदे मैंने हुक हैंडल में डाले थे इनको मैंने सिलाई में डाल लिया है अब ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है इसका हम ये ध्यान रखेंगे देखिए इसमें हमारे बटन होल बने हुए हैं तो बटन होल वाली जो पट्टी है वो हमारी ऊपर आएगी और जो ये वाले जो हमारे फंदे हैं जिस पर हमें बटन लगाने हैं वो हमारी नीचे जाएगी ये आपको ध्यान में रखना है कि आपने जो बटन होल बनाए हैं वो कौन सी साइड पर बनाए हैं तो जिस पट्टी पर आपके बटन लगे होंगे वो ऊपर हो जाएगी और जिस पर बटन लगाने हैं वो नीचे हो जाएगी तो मेरी इस पट्टी में बटन होल बने हुए हैं इन दोनों सिलाइयों को हम ऐसे पकड़ेंगे ठीक है अब ये जो छह फंदे इस पट्टी के और छह फंदे इस पट्टी के इनका हम इधर एक फंदा इधर से एक इधर से इन दो का एक करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे आप चाहो तो वैसे कर सकते हो लेकिन हम इस तरीके से कर लेंगे एक फंदा इस सिलाई का लेंगे और इस पर इसको डाल देंगे ठीक है ये दो हो गए अब हम आगे से सिलाई डालिए या बैक साइड से डालिए इन दो का आप एक फंदा यहाँ पर ऐसे सीधा बना दीजिए तो ये यहाँ दो का एक हो गया अब ये एक फंदा इस पट्टी का हम लेंगे आप ऐसे भी सीधे से सिलाई डाल सकते हो अगर आप आसानी से बुन सकते हो अगर आपको लगे कि कहीं फंदा गिर जाएगा तो इसे लीजिए और यहाँ डाल दीजिए ये दो एक जगह हो गए एक इधर का एक इधर का और फिर इन दो का आप एक फंदा यहाँ पर सीधा बनाइए तो बैक साइड से आसानी से दो का एक हो रहा है जैसे भी आपको आसानी लगे दो का एक करने में वैसे कर दीजिए तो ये हमारे दो फंदे पट्टी के इकट्ठे हो गए हैं अभी तीसरे को लेंगे आप ऐसा भी कर सकते हो नीचे वाले फंदे को ला के और ऊपर वाली पे चढ़ा के और फिर दो का एक भी कर सकते हो मैंने आपको सब तरह से इसलिए बताया है ताकि जो आपको ईजी लगे वैसे कर लीजिए नीचे वाली सिलाई का फंदा उठाइए ऊपर वाली पर डालिए आगे से सिलाई डालकर दो का एक कर दीजिए फिर नीचे से फंदा लाइए ऊपर डालिए आगे से ऐसे दो का एक कर दीजिए फिर नीचे से इस फंदे को लाइए यहाँ डालिए आगे से सिलाई डालकर दो का एक कर दीजिए तो ये देखिए अब हमारी जो ये पट्टी है एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी आ गई है बारह फंदे थे बारह से अब ये बीच में छः बज गए हैं अब ये जो फंदे हैं इनको भी हम इसी सिलाई में ऐसे सीधा सीधा बना देंगे और यहाँ लास्ट में हम एक फंदा यहाँ पर बढ़ाएंगे तो ये यह देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है अब यहाँ से ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा देंगे अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो टोटल फंदे मैं आपको बताती हूँ जब हमने यहाँ से इसकी स्टार्टिंग की तो सात फंदे रखे थे छब्बीस हमने जाली डाली तो छब्बीस और सात होते हैं तैंतीस एक फंदा हमने यहाँ से बढ़ाया चौंतीस तो चौंतीस इधर के चौंतीस इधर के चौंतीस चौंतीस सिक्सटी एट यानी अड़सठ अब हमारी जो छह फंदे की पट्टी है छ की है इकट्ठा कर दिया बारह फंदों को तो छ हो गए अड़सठ में जब हम छह फंदे ये पट्टी वाले जोड़ते हैं तो सेवेंटी फोर यानी अब हमारे पास इस पार्ट में ये सेवेंटी फोर फंदे हैं इसका जो बैक और फ्रंट बनेगा वो बिल्कुल एक जैसा बनेगा तो अब हमारे पास ये यहाँ पर पार्ट ज्वाइंट हो चुके हैं मैं इसका फ्रंट साइड का पार्ट बना लेती हूँ सेम डिजाइन के साथ फिर मैं आपको बैक पार्ट में इसको बुनना बता दूंगी क्योंकि जब एक साइड का बन जाएगा तो आपको देख के उस डिजाइन को समझ के बुनना आसान हो जाएगा तो अब मैं इस पार्ट को कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दूसरी साइड का साथ के साथ बनाना बता दूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इसका हमारा ये फ्रंट साइड का पार्ट कंप्लीट हो गया है अब जैसे हमने डिजाइन के साथ ये इसका फ्रंट वाला पार्ट बुना है सेम डिजाइन के साथ हम इसका बैक साइड का पार्ट अब बनाएंगे तो जब हमने अपना ये सेकंड कलर यहाँ पर जॉइंट किया तो हमारे पास टोटल सेवेंटी फोर फंदे थे डिजाइन को बनाने के लिए हमें बारह के मल्टीपल प्लस तीन फंदे चाहिए थे तो एक फंदा हमने यहाँ बीच में से डिजाइन को बुनते टाइम बढ़ा लिया था तो यहाँ से डिजाइन को सेट करते टाइम टोटल हमारे सेवेंटी फाइव फंदे हो गए थे तो फ्रंट साइड इसकी कंप्लीट हो गई अब हम इसकी बैक साइड बनाएंगे तो बैक साइड पर देखिए जैसे कि हमने यहाँ से जो हमारी बाजू से यहाँ से एक फंदा बढ़ाया था फिर फ्रंट वाले पार्ट में भी और बैक में भी इधर से फंदा बढ़ाया तो जब हम यहाँ से बुनते हुए गए थे तो यहाँ हमने एक फंदा अपना बढ़ा लिया था लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं तो अभी हमें एक फंदा यहाँ पर बढ़ाना है तो अब हम अपना सेकंड कलर यहीं से लगा लेंगे तो अपना सेकंड कलर ऐसे लेंगे और ये देखिएगा यहाँ ऐसे सिलाई डालेंगे और ऐसे करके हम एक फंदा यहाँ से बुन देंगे ये यह हमने यहाँ आगे को जॉइंट कर लिया है अब यहाँ से हम उल्टी साइड से अपनी कोई एक एक्स्ट्रा सिलाई ले लेंगे और इस पूरी सिलाई को हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है और ये देखिए जैसे हमने ये इसको जॉइंट किया धागे को इसको आप ऐसे दबा के ले आइएगा एक एक दो दो फंदा बना लीजिए और इसको यहाँ आगे करते जाइए और जब ये बिल्कुल छोटा रह जाए तो इस वाले के साथ हम इसकी नोट लगा देंगे तो हमारा ये सेकंड कलर कैसे एडजस्ट हुआ यहाँ से इसमें कोई नोट वगैरह नहीं दिखेगी तो इस सिलाई को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स उल्टी साइड से हमने सिलाई को बुन लिया है अब हमें यहाँ पर डिजाइन को सेट करना है तो सबसे पहले देखिए हमारे पास इस टाइम जो फंदे हैं वो सेवनटी थ्री हैं क्योंकि जब हमने यहाँ से जाली डालनी शुरू की तो हमारे यहाँ पर उन्नीस फंदे थे छब्बीस हमने जाली डाली तो छब्बीस जाली में हमारे बावन फंदे बैक पार्ट में बढ़े हैं और एक एक फंदा हमने दोनों साइड से ये यहाँ उठाया है तो हमारे पास टोटल सेवेंटी थ्री फंदे हैं और फ्रंट वाले पार्ट में हमने जो डिजाइन बनाया है ये बनाया है सेवेंटी फाइव फंदे में तो अब हमें बैक पार्ट में दो फंदे और बढ़ाने होंगे जिससे हमारा बिल्कुल सेम तरीके से डिजाइन बने तो देखिए कैसे बनाएंगे और कैसे हम फंदे बढ़ाएंगे इस सिलाई को आप ध्यान से देख लीजिएगा पहला फंदा एजस्टिच है उतारिए या उल्टा बनाइए एक दो और ये तीन अब हम धागा पीछे करेंगे तीन फंदों को इस तरह से एक साथ लेंगे आगे से सिलाई डाल लेंगे और तीन का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ दूसरा फंदा सीधा तीन का एक करने से जो दो फंदे कम हुए दो जाली आ गई अब धागा अपनी तरफ करेंगे तीसरा फंदा सीधा बनाया तो तीन जाली आ गई धागा अपनी तरफ करके इस एक फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से हम दो फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे तीन फंदे का जब हम एक बनाते हैं तो यहाँ भी हमारे दो फंदे कम होंगे तो एक ये और एक ये जाली से हमारे फंदे बराबर हो गए फिर धागा अपनी तरफ करेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन धागा पीछे और ये देखिएगा तीन फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और तीन का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ तीन फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से हम यहाँ तीन का एक फंदा बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा अब हमें इस पूरी सिलाई में दो फंदे बढ़ाने हैं तो एक हम यहाँ पर ही बढ़ा लेते हैं एक थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे तो ऐसे सिलाई डाल लेंगे एक फंदा बुना फिर इस फंदे को भी बुन लेंगे तो एक फंदा हमारा ये बढ़ गया अब फिर नौ फंदे का डिजाइन बनाएंगे फिर हम जो तीन बनाएंगे उसमें से एक फंदा बढ़ा लेंगे कहीं पर भी जैसे मैंने यहाँ पर बढ़ा के दिखाया ऐसे ही नौ फंदे पर डिजाइन तीन उल्टे नौ फंदे पर डिजाइन करते हुए लास्ट तक सिलाई को आप कंप्लीट कीजिए एक बार और बीच में कहीं पर भी फंदा बढ़ा लीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स 75 फंदे में हमारा डिजाइन एडजस्ट एज, हो गया है यहां स्टार्टिंग में भी तीन उल्टे आ गए हैं और लास्ट में भी हमारे तीन ही उल्टे आ गए हैं अब उल्टी साइड पर जो फंदे इधर उल्टे बनाए वो इधर सीधे हो जाएंगे जो इधर हमारे सीधे हैं वो इधर उल्टे बनेंगे यानी अब ये पहला फंदा तो हमारा एडजस्टिज है उसके बाद दो सीधे नौ उल्टे तीन सीधे नौ उल्टे तीन सीधे नौ उल्टे ऐसे करते हुए लास्ट में हमारे ये दो सीधे और एजस्टीज को उल्टा बुन लेंगे फिर सीधी साइड पर आएंगे तीसरी सिलाई यहाँ पर भी सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनेगा चौथी सिलाई उल्टी साइड से सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनेगा जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बाजू में ये एक डिजाइन बनाकर दिखाया बस अंतर इतना आया है कि हमारे बैक और फ्रंट में डिजाइन ज्यादा बन गए हैं बाजू में हमने एक एक डिजाइन बनाया है बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है चार सिलाइयों का डिजाइन है चारों सिलाइयों को रिपीट करते जाना अब हमें इसमें फंदे बढ़ाने होंगे ताकि इसकी जो है लुक बिल्कुल फ्रॉक जैसी एकदम नीचे से फ्रिल टाइप बने तो उसके लिए अब आप यहाँ पर देखिए डिजाइन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि बाजू में मैंने आपको पूरा बनाना बताया है यहाँ सिर्फ मैंने आपको एडजस्ट करके दिखाया है अब आपके जब ये दो डिजाइन कंप्लीट हो जाएंगे चार चार सिलाइयों के तीसरा डिजाइन आप जब बनाओगे तो ये जो हमारे बीच वाले पार्ट है एक दो तीन चार और ये पांच पांचों में एक एक फंदा आप बढ़ा दीजिए तीसरे डिजाइन की पहली सिलाई पर आप एक फंदा यहाँ बढ़ाइए एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ तो उससे हमारे यहाँ जो बीच में तीन तीन उल्टे हैं वो चार चार हो जाएंगे बनाए वैसे ही जाएंगे सीधी साइड से उल्टे और उल्टी तरफ से सीधे ये फंदे उसके बाद जब आपके ये वाले डिजाइन सात डिजाइन कंप्लीट हो जाएंगे जब आप आठवें डिजाइन की पहली सिलाई बनाओ तो फिर से उसमें ये जो बीच वाले पार्ट हैं एक फंदा इसमें बढ़ा दीजिए बीच में से जैसे हमारे चार फंदे होंगे दो फंदे बुन के एक उसके बाद फंदा बढ़ा लीजिए ऐसे करके एक इसमें एक इसमें एक इसमें ऐसे करके आपके फंदे बढ़ जाएंगे तो फिर आपके यहाँ पर हो जाएंगे पाँच पाँच फंदे बीच में इन डिजाइन के गैप में जब आपके ये तेरह डिजाइन कंप्लीट हो जाएं, तो तेरह डिजाइन कंप्लीट करके चौदहवें डिजाइन की जो पहली सिलाई आएगी उसमें फिर से ये जो हमारे हैं के बीच में एक फंदा इसमें बढ़ा लेंगे एक इसमें एक इसमें एक इसमें और हम यहां कोने पर भी बढ़ाएंगे जो हमारे तेरह डिजाइन हो के चौदह डिजाइन की पहली सिलाई बनेगी उसमें हम देखिए एक यहाँ पर एक यहाँ पर दो तीन चार पाँच छः और ये सात फंदे बढ़ेंगे इससे यहाँ से ये यह फ्रॉक के जैसा बिल्कुल घेर इसका बन जाएगा टोटल हमें इसमें अठारह डिजाइन बनाने हैं तो अट्ठारह डिजाइन बना के फिर हमने इसमें ये फ्रिल बनानी है और ये फ्रिल बिल्कुल सेम तरीके से बनेगी जैसे मैंने यहाँ पर बाजू में आपको बनाकर दिखाई है तो फंदे का मैं आपको हिसाब बता देती हूँ कि इसमें जो हमारे फंदे हैं वो किस तरीके से आपकी प्रिल सेट होगी तो देखिए यहाँ स्टार्टिंग में जब हम इस प्रिल को बनाना शुरू करेंगे तो ये यह देखिएगा यहाँ से हमने इसको फ्रिल को शुरू किया तो दो फंदे हम यहाँ पर उल्टे रखेंगे उसके बाद धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बना देंगे फिर तीन उल्टे धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा तीन उल्टे धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा ऐसे करते हुए आपकी फ्रील बनती जाएगी और लास्ट में जो आपका फंदा आएगा एक ही बचेगा जो धागा अपनी तरफ करके हम एक फंदा सीधा बनाएंगे उसके बाद एक ही फंदा बचेगा वो हमारा उल्टा आ जाएगा तो ये आपकी इस तरीके से फ्रील सेट होगी तो यहां पर हमने जो फ्रिल बनाई है चार बार जाली से फंदे बढ़ाए हैं बाजू में लेकिन नीचे हमने जो फ्रिल बनाई है उसमें हमने छह बार जाली से फंदे बढ़ाए हैं जिससे हमारी इस तरह से ये इसमें सी आ गई हैं और ये बहुत बढ़िया इसकी फ्रिल बनी है तो अब आप इस डिजाइन को जैसे मैंने बताया है चार चार सिलाइयों के डिजाइन को रिपीट करते जाइए एक बार तीसरे डिजाइन पर फंदे बढ़ाइए एक बार आठवें डिजाइन पर बढ़ाइए एक बार चौदवें डिजाइन पर फंदे बढ़ाकर और अट्ठारह डिजाइन तक इसे कंप्लीट करके और अट्ठारहवें डिजाइन की चौथी सिलाई उल्टी साइड पर सेकंड कलर लगा के और आप इस फ्रिल को बनाइए फ्रिल में छठ जालिया बना लीजिए तो अब मैं इसको एक बार कंप्लीट करके और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक कैसी आई है तो आप जैसे मैंने बताया है इसी तरीके से इसे कम्प्लीट कर लीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी सी हमारी फ्रॉक बन तैयार हो गई है दो साल से लेकर चार साल की बेबी गर्ल्स के लिए ही हमने ये फ्रॉक बनाई है अगर आप इस फ्रॉक को थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहते हो तो फंदे इसके बिल्कुल सेम रहेंगे जो बाजू है इस बाजू की लेंथ आप थोड़ी सी ज़्यादा बना लीजिए जैसे हमने यहाँ पर तेरह डिजाइन बनाए हैं तो आप चौदह से पंद्रह डिजाइन बना लीजिए और नीचे जैसे हमने 18 डिजाइन बनाए हैं तो आप इसमें 20 से 21 डिजाइन बना लीजिए बाकी बिल्कुल सेम मेजरमेंट के साथ ये फ्रॉक ढाई तीन साल से लेकर पाँच साल की लड़कियों के लिए बनके तैयार हो जाएगी सिर्फ आपको इसकी लेंथ ज़्यादा बनानी है तो फ्रॉक हमारी बन चुकी है इस फ्रॉक पे हम यहाँ पर कोई भी रोज़ या अलग तरह का पैच बना के लगा सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर एक ये छोटी सी पट्टी बना ली है इसकी हम इस तरह से फोल्ड करके एक पैच बना कर लगाएंगे इस पट्टी में मैंने यहाँ पर दस फंदे डाले हैं फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने उल्टी बनाई उसके बाद दो फंदे यहाँ पर उल्टे छः बीच में सीधे फिर दो उल्टे उल्टी साइड से सभी सिलाइयाँ उल्टी और फिर ये हमने थोड़ा सा लगभग एक सवा इंच बुनने के बाद अपना सेकेंड कलर लगा लिया और सेम बुनते हुए जितना हमने नीचे बनाया उतना ही येलो कलर से बनाया है फिर जब लास्ट में हमने एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें उल्टी बना के और सीधी साइड से सभी फंदों को बंद कर दिया है तो ये हमारी एक छोटी सी पट्टी बन के तैयार हो गई है इस पट्टी की जो मैंने टोटल लेंथ बनाई है वो देखिए तीन इंच से भी थोड़ी सी कम है आप तीन इंच तक बना लीजिए मैंने तीन इंच से थोड़ी सी छोटी बनाई है तो अब इसको जब हम लगाएंगे तो देखिए इस पट्टी को हम इस तरीके से ऐसे पकड़ लेंगे और ऐसे पकड़ के और इसको जैसे आपको ठीक लगे आप इसको इस तरीके से भी यहाँ पर लगा सकते हो यहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हो जैसे आपको ठीक लगे तो मैं एक बार इसको सेट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सुई से मैंने इसको यहाँ पर अटैच कर दिया है आप कोई और यहाँ पर पैच बना कर लगाना चाहो रोज फ्लावर में बड़ा सा वो भी आप बना के लगा सकते हो और अगर आपको इसमें डोरी डालनी हो तो आप डोरी बनाकर भी इसमें क्रोशे की सहायता से जालियाँ इसमें बनी हुई हैं ऑलरेडी यहाँ पर आप इसमें डोरी भी डाल सकते हो तो फ्रेंड्स फ्रॉक हमारी बनके हो गई है तैयार अगर आपको ये फ्रॉक पसंद आई हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शे शेयर कीजिए अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें थैंक यू